से क से स्र तक लिखना है और उसको पढ़ना है, कैसे उच्चारण होता है। आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा को लगाकर कैसे हम शब्द बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं और उसे कैसे पढ़ा जाता है। ओके बच्चों, देखो एवरीबॉडी ओपन पेज नंबर 31 हिंदी बुक, पेज नंबर 31। देखो बच्चों, यहां मैंने लिखा भ, उसके पास मैंने दिया ए की मात्रा और लिखा यहां पर ड। तो क्या हुआ ये बच्चों, ह के पास ए की मात्रा है तो वो क्या होगा, ह में अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या होगा, भे और ड, क्या हुआ भे, भेड़। देखो यहां पर मैंने लिखा त प्लस ए की मात्रा ल, तो फिर ये क्या होगा, तेल। समझ में आया? देखो मैंने यहां पर लिखा है सौ में मैंने ए की मात्रा दिया है और उसके पास मैंने लिखा र, तो फिर ये क्या हो गया, शेर। शेर को हम ए की मात्रा लगा कर कैसे लिखते हैं, हमने पहले सौ लिखा, सौ के पास हमने ए की मात्रा दिया, उसके पास मैंने र लिखा, सौ के पास ए की मात्रा उसके पास र, तो फिर क्या हो गया वो, शेर। समझ में आया? देखो जैसे को रो में एक मात्रा ना, करेला, देखो ये कैसे लिखते हैं, को को में को, को के पास लिखा है रो, को आया रो आया, रो के ऊपर देखो रो में एक मात्रा है, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक मात्रा, उसके बाद कौन है, क्या है, ल, ल, उसके बाद आ की मात्रा हो गया, क र में एक मात्रा, ल में आ की मात्रा, करेला। समझ में आया बच्चों, आ की मात्रा हमेशा अक्षर के पास में लिखा जाता है, राइट साइड में। जैसे क में आ की मात्रा लगाया तो क्या हुआ, का, आल, आ हमने लिखा राइट में। ये देखो ख लिखा मैंने, ख में हम छोटी की मात्रा देते थे तो कहाँ पर लिखते थे, लेफ्ट में, लेफ्ट में हम देते थे छोटी की मात्रा। समझ में आया? अगर हम गी लिखते थे तो गी में बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा हम कहाँ देते थे, राइट साइड में। उस तरह से छोटी यू की मात्रा हम कहाँ लिखते थे, अक्षर के नीचे छोटी यू की मात्रा देते थे। यहाँ पर देखो बड़ी यू की मात्रा भी हम अक्षर के नीचे देते थे, रू की मात्रा भी हम अक्षर के नीचे देते थे, लेकिन ए की मात्रा हमेशा अक्षर के ऊपर दिया जाता है, अक्षर के ऊपर। समझ में आया? अक्षर के ऊपर ए की मात्रा हमेशा से लिखा जाता है। चलो बच्चों, इस तरह से आपने समझा ए की मात्रा लगा कर कैसे शब्द बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा लगाकर, यहाँ पर देखो एवरीबॉडी ओपन पेज नंबर 31 हिंदी बुक, पेज नंबर 31। देखो यहाँ पर कितने सारे अक्षर शब्द दिए गए हैं ए की मात्रा को लगाकर, चलो हम उसको पढ़ते हैं और जानते हैं। देखो भ, भ में एक ही मात्रा ड, क्या हुआ, भेड़। र, र में एक ही मात्रा ल, क्या हुआ, रेल। त, त में एक ही मात्रा ल, क्या हुआ, तेल। क, क में र की मात्रा, क र में एक ही मात्रा, ल में आ की मात्रा, क्या हुआ, करेला। समझ में आया? ए, एल।
सेवा, मेवा, तेरा, सेना, देना, लेना, हारे, सारे, मारे, अकेला, सपेरा, नेवला, मेहनत, सेहत, जेवर, नरेश, सपने, अपने, चेतक, रेशम, दहेज, देवर, सेवक, मेहमान, परेशान, जलेबी, हथेली, ठेकेदार, थानेदार, कूड़ेदान, अनजाने, अनजाने, मतवाले। समझ में आया बच्चों? बेल, लेल, तेल, करेला, बेल, मेल, सेल, जेल, खेत, सेर, केला, मेला, खेला, सेवा, मेवा, तेरा, सेना, देना, लेना, हारे, सारे, मारे, अकेला, सपेरा, नेवला, मेहनत, सेहत, जेवर, नरेश, सपने, अपने, चेतन, रेशम, दहेज, देवर, सेवक, मेहमान, परेशान, जलेबी, जलेबी, हथेली, ठेकेदार, थानेदार, कूड़ेदान, अनजाने, मतवाले। समझ में आया बच्चों? आपको इस तरह से जोर जोर से अपने घर में एक मात्रा लगा के ये जो सारे शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ना है और अपने कॉपी में लिखना है। एक मात्रा को देखो यहाँ पर रेड कलर में हाईलाइट किया गया है। ओके बच्चों, बाय बाय टू ऑल।